नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन का पर्दाफाश हुआ है। बिहार पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां पर दो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये दो अपराधी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं, और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है बिहार पुलिस के। ऐसे में बात अगर हम करें तो फुलवारी शरीफ में केरल सहित अन्य कई राज्य के युवाओं को प्रशिक्षित कर भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मिशन में शामिल करने के उद्देश्य का पर्दाफाश करते हुए सुरक्षा बल और पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना दौरे से ठीक एक दिन पहले सोमवार रात को की गई है। नया टोला स्थित अहमद पैलेस की पहली मंजिल पर खोले गए कार्यालय में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण की आड़ में बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा था। इसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश सहित अन्य राज्यों से जुड़े होने के साक्ष्य भी मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है, और साथ ही आईबी दिल्ली से इनपुट मिलने के बाद सोमवार की देर रात चार थानों की पुलिस ने एएसपी मनीष के नेतृत्व में छापेमारी की। छापेमारी शरीफ नया टोला स्थित एसडीपीआई और साथ ही पीएफआई के कार्यालय में की गई है। मकान मालिक जलालुद्दीन खान और अतहर परवेज को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस का, साथ ही साथ गिरफ्तारी के बाद की क्या कुछ तस्वीरें सामने आई है, सबसे पहले आप ये देखिए। 2001-2 में जब सिमी बैन हुआ था तो बिहार में जो ब्लास्ट हुए थे उसमें इनके छोटे भाई मंजर परवेज जेल गए थे, और 2001, 2003 और 2013 में बिहार में जो केसेस हुए हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज के, उन सारे केसेस के अभियुक्तों के ये बेलर हैं। ये वेरीफाई हो गया है, इन्होंने खुद इसको स्वीकार किया है। और अभी पिछले 2 सालों से ये पीएफआई और एसडीपीआई के नाम पर बहुत सारे लोगों को ट्रेंड कर रहे थे, बाहर के जो चरमपंथी एलिमेंट से उनको यहाँ आश्रय दे रहे थे, उनको ये कम्युनिकेट कर रहे थे। और 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है। जो पूरा सत्यापन हुआ, उस सत्यापन के आधार पर हम लोग ने इस्टेब्लिश किया कि अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के द्वारा मिलकर, बता दें आपको कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो मिशन है वो चल रहा था, इसको लेकर तमाम जो दस्तावेज है वो भी बरामद हुए हैं, और जो तार है, जो लिंक है, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ही साथ अन्य राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से ठीक एक दिन पहले यानी कि सोमवार की रात को इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, ताकि जड़ तक पहुंचा जा सके और असलियत का पता लगाया जा सके। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।